how to stay consistent as a developer, how to make sure that you're motivated. So if you talk about programming or data structures, algorithm is particular, तो मुझे लगता है उसमें consistent रहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि I personally enjoy a lot interacting with the computer. आप humans interact करते हो, बहुत सारे emotions होते हैं, right? When you interact with the computer, it's purely logical interaction, right? It always gives you a logical response. If you are wrong, it will tell you wrong very clearly, bluntly, right? तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. But अगर आपको problem आ रही है, तो आप अगर जैसे for example अगर आप interview का preparation कर रहे हो, तो अपना level decide कर लो कि यार मुझे क्यों problem आ रही है, मैं कहीं पे stuck हो रहा हूँ, इस वजह से problem आ रही है, तो अपना थोड़ा lower level पे जाके solve करने लग जाओ. और आपको लग रहा है कि मैंने पूरे दिन ये questions कर लिया लेकिन एंड में कुछ हुआ नहीं, पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो आप थोड़ा डीएसए एल्गो के स्टैंडर्ड एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते रहो. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के. आप विकिपीडिया पर पेज पढ़ लो, गीक्स वर्क्स पे पढ़ लो, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, एप्लीकेशंस ऑफ क्यूब, वहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती रहती हैं. तो मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए.